श्रीमद्भागवतम समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुकुमुखाद मृतदर्शनुतम तिब्बत भागवतम रसमालय मुहुरहु रसिका भूभाविका। परम पूज्य राधा गुंज महाराज ने श्रीमद्भागवतम के विषय में कहा था कि श्रीमद्भागवतम को सुनने से ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। परीक्षित महाराज 7 दिन श्रीमद्भागवतम का श्रवण करके भगवत धाम को प्राप्त किए। उसी तरह से धुंधकारी जो है गोकर्ण जी से श्रीमद्भागवतम 7 दिन सुन करके भगवत प्राप्ति किया। भक्ति महारानी के भी जो पुत्र ज्ञान बैराग्य वृंदावन में वृद्ध हो गए थे, श्रीमद्भागवतम का महात्म्य सुन करके महिमा सुन करके नवजुवक अवस्था प्राप्त किए। भक्ति उत्पन्न हुई थी द्रविण देश में, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता कुचिन कुचिन महाराष्ट्र गुजरा जीणताम गता। भक्ति महारानी द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं के उनको सम्मान मिला और गुजरात में वृद्ध हो गई थी। इन वृंदावन में पुनः प्राप्य वृंदावन में पुनः आने पर स्वरूपिणी और ज्योति हो गई थी, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान बैराग वृद्ध हो गए। बाद में वो भी श्रीमद्भागवतम के श्रवण से युवक हो गए। श्रीमद्भागवतम जो है ज्ञान बैराग्य भक्ति का त्रिवेणी है, इसलिए श्रीमद्भागवतम मानव समाज का परम कल्याण करने वाला है। और श्रीमद्भागवतम सुन करके हम भगवान में प्रेम प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना करके भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व में श्रीमद्भागवतम का प्रचार किया है। 18 खंडों में श्रीमद्भागवतम जो है हर भाषाओं में इसको उद्धृत करके श्री प्रभुपाद जी ने विश्व का बहुत बड़ा उपहार दिया है। ये गोल्डन गिफ्ट है और श्रीमद्भागवतम को ही अच्छी तरह से लोगों में जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए भागवत महाविद्यालय जो है प्रयासरत है। भागवत महाविद्यालय के माध्यम से नवयुवकों को या भागवत प्रेमी लोगों को भागवत में और रुचि हो, निष्ठा हो, इसके लिए भागवत महाविद्यालय सतत प्रयास कर रहा है। हम सभी लोगों को श्रीमद्भागवतम महाविद्यालय से जुड़ करके उसके कार्यक्रम को, उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।